अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सूखे मटर की रेसिपी। इसे हमारे यहाँ बंगाल में घुगनी बोलते हैं और स्कूल कॉलेज की कैंटीन में, रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा मिलती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और बहुत ज़्यादा चटपटी होती है दोस्तों। तो इसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले। और इसे दोस्तों आप किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, रोटी पराठा पूरी वगैरह किसी के साथ भी खा सकते हो, या तो इसे इस तरीके से चटपटा बनाकर चाट जैसे आप इसे खा सकते हो। तो इसे बनाते कैसे हो आप झटपट से देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम मटर, जिसे हमने ओवरनाइट भिगो कर रखा था। ये देखिए कैसे फूल गई है। और लिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे आपको इस तरीके से बारीक कट कर लेनी है। 2 आलू लिया है, उसे आपको छील लेनी है। और लिया है थोड़ा सा अदरक और लिया है थोड़ा सा लहसुन, इसे आपको एक पेस्ट बना लेनी है। तो दोस्तों आलू को आपको इस तरीके से काट लेनी है। ले लेनी है आपको एक कुकर, और कुकर में सभी मटर को धोकर इस तरीके से दे देनी है। आलू को हमें दे देनी है। और ये देखिए हमने ये मसाला जो लिया है अदरक और लहसुन, इसे एक पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा पानी देके। तो देखिए हमने पीस लिया है मसाले को, अब हम इसे कुकर में दे देंगे। देखिए मसाले को इस तरीके से आपको भी एक पेस्ट बना लेनी है। तो इसे हमने दे दिया, और उसी के साथ हम दे देंगे बारीक काटी हुई प्याज। और दे देंगे लाल मिर्च। मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग दें। यहाँ पर हमने 2 टेबलस्पून के करीब मिर्च दे दिया है। दे देंगे ऑयल, 2 चम्मच ऑयल हमने दे दिया है। हरी मिर्च हम दे देंगे इस तरीके से काट के, 3-4 हरी मिर्च आपको इस तरीके से दे देनी है। और दे देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, 1 चम्मच हमने यहाँ पर नमक दिया है। 1 तेजपत्ता हम दे देंगे इसी के साथ। अब पानी दे देंगे, 2 ग्लास हम यहाँ पर पानी दे देंगे। तो आप इसे सभी को मिला दे। अब कुकर का हम ढक्कन लगा के इसे 4-5 सीटी तक लगने के लिए छोड़ देंगे। तो 5 सीटी हमारी हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम हम बंद करके कुकर को थोड़ा देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा देर बाद देखिए हमने मटर को थोड़ा चेक कर लेनी है, हमारी मटर जो है वो गली है कि नहीं गली है। तो देखिए दोस्तों हमारी मटर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से गल गई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा जफरानी रंग देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। और इसी के साथ दे देंगे चना मसाले, ये सनराइज़ की है। तो 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पर चना मसाला दे देनी है और इसे मिक्स कर देनी है। देखिए हमारी जो घुगनी है बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। ये थोड़ी गाढ़ी है, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी दे देंगे इसे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी देके इसे थोड़ा सा पतला कर देनी है। तो एक बार नमक चेक कर लेना आप। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा और नमक दे देनी है। अगर नमक आपकी सही लगे तो यहाँ पर आपको नहीं देनी है, अगर नमक थोड़ा सा कम लगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर नमक दे दो। तो ये हमारी जो घुगनी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो 2 मिनट से इस तरीके से पकने दे, अब ये बिल्कुल हो चुकी है। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी सुंदर बनी है, बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। आप इस तरीके से एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसे रोटी पराठा पूरी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो, या तो इस तरीके के थोड़ा सा नींबू थोड़ा सा मिर्च प्याज इस तरीके से दे के इसे आप खा सकते हो, और थोड़ा सा खट्टा मट्टा दे के आप इसे चाट की तरह इस तरीके से खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है दोस्तों। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने आऊँगी। तो अभी के लिए बाय बाय दोस्तों। Love this moment.
second, love is moment.